संतों उन्होंने कहा ये चिवड़ा के तेल लगाने वाले, मंत्री समझाता है दुष्यंत को कि संत है ये, इनमें तेज है, ये बड़े तेजस्वी हैं, यदि ये श्राप दे देंगे तो आप अयोध्या से नष्ट हो जाएंगे, इन्हें आप काला कलूटा ना समझें, ये चिवड़ा के तेल लगाने वाले तपस्वी हैं, बड़े तेजस्वी हैं, महाराज इन्हें आप अशब्द ना कहें, आपको अपनी पत्नी को स्वीकार करना हो करें, ना करना हो इन्हें ससम्मान विदा कर दें। दुष्यंत ने हाथ जोड़ा, हे ब्राह्मण कुमार, आप जैसे ससम्मान आए हैं वैसे यहां से लौट जाएं, ये मेरी पत्नी नहीं। उसी समय जो दो राजा के दूत जो हैं वो एक मल्लाह को पकड़ कर लाए, बोले महाराज ये जो मल्लाह है इसके पास एक सोने की अंगूठी मिली हुई है, महाराज इस अंगूठी को देख लें। मल्लाह से पूछा गया अंगूठी कहाँ मिली, उसने हाथ जोड़कर कहा महाराज मैं नाविक हूँ, नाव को खेता हूँ, जाल को डालता हूँ, मछलियां पकड़ता हूँ गंगा जी से, उससे अपना जीवन यापन करता हूँ। एक मछली को मैंने काटा, उसके पेट से ये जो है सोने की अंगूठी मिली, इसमें राज चिन्ह था, अयोध्या का जो राज चिन्ह है वो बना हुआ है, इसलिए मैंने इन दूतों के पास लाया और ये मुझे चोर समझ कर पकड़ कर ले आया। उस अंगूठी को महाराज ने अच्छे से देखा, दुर्वासा का श्राप जो है समाप्त हो गया अंगूठी को देखते ही। दुष्यंत को याद आ गई कि शकुंतला मेरी पत्नी है, यह मेरा पुत्र है, उन्हें ससम्मान स्वीकार किया, ब्राह्मणों का आदर करके उन्हें विदा किया। वही जो पुत्र है उसका नाम भारत रखा गया, जिसके नाम से यह भारतवर्ष चलता है। महाराज बड़ा वीर प्रतापी बालक था और बहुत दानी रहा। भारतवर्ष में वीरता और दानवीरों की भी और दानवीरों की कमी नहीं रही। और खासकर अयोध्या जो है कि राजाओं ने दानों पर ही अपनी महिमा मंडित की हुई है, एक अधिकार है दानों में। इक्ष्वाकु के पुत्रों में श्रेष्ठ पुत्र राजा नृप थे, इक्ष्वाकु वंशज थे। इक्ष्वाकु बहुत बड़े दानी थे अयोध्या के, 108 पत्नियां थी महाराज इक्ष्वाकु के। उनका एक संकल्प था कि प्रातः उठकर सबसे पहले दान करना, इसके बाद पर अयोध्या की राजगद्दी पर जाते थे और जो जो कुछ मांग ले वो दान देते। एक दिन प्रातः एक घटना हुई कि एक ब्राह्मण जो है, ये घटना इसलिए भी श्रेष्ठ है कि राजा रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज मैं यज्ञ भी कर चुका हूं, और अयोध्या का राज भी मुझे प्राप्त हो चुका है, मैं चाहता हूं कि अब हमारा वंश जो है इक्ष्वाकु वंश ना कहलाकर राम वंश कहलाए, इक्ष्वाकु वंश ना कहलाकर राम वंश कहलाए, ये मैं चाहता हूं। राजा राम कहते हैं वशिष्ठ से, वशिष्ठ जी ने कहा एक वृतांत बताता हूं, तुम्हारा कुल जो चला इक्ष्वाकु वंश कहलाता है, शूर वंश कहलाता है, उसमें एक बड़े प्रतापी जहां से प्रकट हुआ है ये शूर वंश वो इक्ष्वाकु वंशज है। इक्ष्वाकु की कहानी बताता हूं, ध्यान रखिए। राजा राम बताते हैं वशिष्ठ जी को, एक बार प्रातःकाल एक ब्राह्मण आया, सामने के जो रास्ते राज्य की ओर आते थे उससे ना आकर पीछे के रास्तों से आया। पहले सोच और आदि की व्यवस्था जो थी घर पर तो होती नहीं थी, राजघराने के हों या सामान्य लोग के हों, सब लोगों को बाहर जाना होता था। रास्ते पर रानी उसने टकराई, रानियों को पल्ला ऊपर चला गया। उस ब्राह्मण ने रानी को देख लिया, मन में विचार किया इक्ष्वाकु प्रातःकाल दान देते हैं, मैं उनसे ये रानी को मांग लूंगा, क्योंकि उनके पास तो दान ही है, जो कुछ चाहिए वो दे दो, अपना शरीर भी दे देते हैं, प्राण देने के लिए तैयार होते हैं, ये राजाओं की प्रकाष्ठता थी पहले की। मैं कहा मैं इस रानी को मांगूंगा, ब्राह्मण ने मन में विचार किया, चले आए। जैसे ही राजगद्दी पर महाराज आए, सबसे पहले दानों देने का जो है उन्होंने नियम था तो दान देना प्रारंभ किया। ब्राह्मण भी लाइन में लगे थे, आए बोले महाराज ने क्या चाहिए, महाराज बोले महाराज आपकी रानी चाहिए मुझे। महाराज मुस्कुराए, बोले महाराज जी मेरी 108 रानी है, कौन सी रानी चाहिए आपको। कहने लगे महाराज लाइन से खड़ी कर दो, हमने जिसे सुबीर देखा है वो हम छांट लेंगे, लाइन से खड़ी कर दो। इक्ष्वाकु ने 108 रानियों को बुलाया, तुरंत रणवासी में आदेश गया कि आपको तुरंत तैयार होकर जो है वह राजगद्दी के पास आ जाएं। 108 रानियां आ गईं, सब लाइन से खड़ी करवाएं। ब्राह्मण दोस्त कहा महाराज देखो
कहने लगे महाराज जी पल्ला ऊपर करवाओ। पल्ला ऊपर हो गया, अब यहां से वहां, वहां से यहां, चार चक्कर ब्राह्मण जी ने लगाए, पता ही नहीं चला मैंने कौन के देखो। सब एक से एक बड़े सुंदर, जिसके सामने जाए ये थी, फिर आगे बढ़े नहीं ये थी, नहीं ये थी, विस्मय में पड़ गए ब्राह्मण। लौट कर पुनः आए, राजन ने कहा महाराज अब बताओ। बोले महाराज सभी एक सी लगा था। तो बोले क्या किया जाए? बोले पूरी दे दो। बोले पूरी दे दो। बोले 108। बोले 108। इक्ष्वाकु ने संकल्प किया, बोले 108 रानियों के रहने की व्यवस्था, उनका भोजन व्यवस्था सहित ब्राह्मणों को जो है दान दे दिया। इतना धन दिया कि इन 108ों का जो है परिवार भरण पोषण जिंदगी भर हो सके। उन 108 रानियों के डोला लेकर वह ब्राह्मण अयोध्या से बाहर निकलता है। सरयू के किनारे गया, मन में विचार आया, धिक्कार है मुझे, मैं कैसा लोभी लालची व्यक्ति हूं जो राजा को बिना रानी के करके जा रहा हूं और 108 पूरी रानियां ले जा रहा हूं, और क्या इतना श्रेष्ठ। प्रणाम किया और हाथ जोड़ा, बोले महाराज हम क्षत्री दी हुई चीज को वापस नहीं लेते, हमने यदि कोई चीज आपको प्रदान कर दी तो उसे वापस नहीं लेते, यह क्षत्री धर्म के विपरीत हो जाएगा। तो कहने लगे महाराज हम भी इन्हें नहीं ले जाते। बोले आप ले जाएं ना ले जाएं, ये आपकी जो है आज से ये वस्तुएं आपकी हैं, ये आपकी हैं, और इनके साथ में जो स्वर्ण वगैरह हमने दिया था वह भी आपका है, आप ले जाएं ना ले जाएं उससे मतलब नहीं है, पर ये रानी अरणवासी में नहीं जा सकते। ब्राह्मणों ने छोड़कर चले गए। अयोध्या की सीमा के बाद पर राजा इक्ष्वाकु ने 108 भवन बनवाए, उनमें जीवन भर वह रानियां रही। वशिष्ठ जी रामचंद्र जी से कहते हैं ध्यान दीजिएगा, एक तुच्छ ब्राह्मण के दान स्वरूप मांगने पर इक्ष्वाकु ने 108 रानियों का दान कर दिया महाराज। वो भी सूर्यवंशी राजा था, आप भी सूर्यवंशी राजा हैं। एक तुच्छ ब्राह्मण के मांगने पर उन्होंने जो है 108 रानियों का दान कर दिया, और अपने एक रानी के कारण 1,00,000 पुत्र 1,25,000 नाती ब्राह्मणों के नष्ट कर दिए। रावण था तो ब्राह्मण, तो बोले कैसे आपका वंशज रहे या इक्ष्वाकु का वंशज रहे, आपका वंश राम वंश कहलाए या इक्ष्वाकु वंश कहलाए, राम को कहना पड़ा। वाल्मीकि रामायण कहती है, वाल्मीकि रामायण की कथा है, इक्ष्वाकु वंश ही रहना दिया जाए, राम का वंश नहीं इक्ष्वाकु वंश बचता है, शूर वंश बचता है महाराज। इन्हीं का पुत्र, इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नरक हुए। नरक का एक संकल्प था कि प्रातः उठकर स्वर्ण से सिंह मड़वाकर, चांदी से खुर मड़वाकर, दुशाला साले आदि हुलाकर गौ दान करते थे। गौ दान करने की पद्धति शूरवंश में पहले से ही चली आई थी, उस पद्धति को और बढ़ा चढ़ा कर राजा नरक चला रहे थे। गाय दान की रोज करते थे, एक ब्राह्मण दूर के थे, गाय ले जाते रहे, बीच में गाय जो है छूट गई और गौशाला पे आकर मिल गई। दूसरे दिन उन्होंने सेवकों से कहा गाय ले आओ जो दान करनी है। उन दान देने वाली गायों में वह गाय भी मिलकर चली गई, और वह दो देवी योग से, कभी कभी क्या है अच्छाई का भी अहंकार जो है नष्टता की ओर ले जा लेता है, अच्छाई का अहंकार भी नष्टता की ओर ले जा लेता है। ध्यान रखिएगा, अहंकार किसी भी चीज का हो समूलतः नष्ट कर देता है। नरक को थोड़ा सा अहंकार आ गया था, मैं 10,000 गौएं रोज दान करता हूं, वो भी स्वर्ण से सिंह और खुर जो है चांदी से मड़वा कर, अहंकार था मन में। और प्रभु की कृपा बड़ी अच्छी है कि वह अपने भक्तों में अहंकार नहीं होने देते। वह गाय जब उन गाय में मिल गई, उसे एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी गई। किसी ब्राह्मण को दी हुई वस्तु, या कह दिया कि इस ब्राह्मण को यह चीज हम देंगे, और उस वस्तु को यदि आप दूसरे को दे देते हैं, ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि हमने गेहूं निकाली, चावल निकालना, कुछ अनाज दान करना है, इस यज्ञ में देना है,
किसी कारणवश हम उस यज्ञ में ना पहुंचा पाए, तो मन में एक विचार आता है कि निकला हुआ है हम दूसरे यज्ञ में दे देंगे। नहीं, कदापि नहीं, उस यज्ञ के सृजन को, आयोजक को, जो भी हो या उसकी जो समिति, उसी को पहुंचाएं महाराज, दूसरे को नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि वो उसके भाग से निकला है। इसी प्रकार एक ब्राह्मण को दी हुई वस्तु उसी ब्राह्मण को दें, उस वस्तु को यदि आप दूसरे ब्राह्मण को देते हैं तो सामंतन नामक दोष लगता है, मनुस्मृति कहती है। जिसके नाम से दान दिया हुआ है उसी को दान देना चाहिए, जिसके नाम से आपने संकल्प किया था कि दान हम फलाने को देंगे उसी को दीजिए। तो वह ब्राह्मण जो है, गाय जो उस ब्राह्मण की थी धोखे से आ गई, उसे दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिए। प्रातः काल वह गाय लेकर जा रहा था और रात्रि में वह ब्राह्मण जो गाय उसके हाथ से छूटी थी, वह गाय को ढूंढते हुए आ रहा था। मार्ग में दोनों का मिलन हो गया। जो ढूंढते आ रहा था उस ब्राह्मण ने कहा, यह गाय तो मेरी। जो ले जा रहा था उसने कहा, महाराज ने तो मुझे दान दी। दोनों में बहस हो गई। कहने लगे, चलो महाराज के दरबार पर। महाराज के दरबार पर आए, प्रणाम किया, महाराज ये गाय मेरी है, ये धोखे से मेरे हाथ से छूट गई थी रात्रि में, मैं अपने घर नहीं ले जा पाया था और ये आपकी गौशाला पे आ गई थी और आज आपने इन ब्राह्मणों को दान दे दी, ये गाय मुझे वापस किया जाए। दूसरे ब्राह्मण ने कहा, महाराज आज तो इसका स्वामी मैं हूं, इसे आपने मुझे दान दी है, ये गाय मुझे ले जाने दी जाए। महाराज ने दोनों का विवाद है शांत कराने की कोशिश की। कहने लगे, महाराज एक काम करो, एक ब्राह्मण इस गाय को रख लें, दूसरे ब्राह्मण दूसरी गाय ले लें। दोनों उड़ गए। पहले वाले से कहा, इसके एक के बदले दो दूंगा। कहने लगे, नहीं महाराज हमें तो यही चाहिए, तीन चाहिए, पांच ले लो, दस ले लो। आखिरी में संख्या बढ़ाकर 10,000 कह दी महाराज ने। इस गाय की बदले पे आप 10,000 गाय ले लें, वो भी स्वर्ण से जो है सींग मढ़वा कर और खुर जो है वह चांदी से मढ़वा कर दूंगा, 10,000 गाय आप ले जा ले। ब्राह्मण दोनों अड़े, नहीं महाराज प्रतिष्ठा की बात आ गई, झुके कौन, नहीं महाराज। उन्होंने कहा, ये तो हमारी है, हम इसी को लेंगे। देखो साहब, ब्राह्मण की जात की एक बहुत अच्छी बात है, यदि झुक जाए तो एक मिठाई की फीस में, क्यों जी, और अड़ जाए तो तुम कितने बड़े धुरंधर रहो। तो कहने लगे, नहीं महाराज हम तो लेंगे तो इसी को लेंगे, नहीं तो लेंगे ही नहीं। कहने लगे, 1,25,000 गाय दूंगा, अब छोड़ दो इसे। कहने लगे, नहीं महाराज, तो 5,00,000, 10,00,000, 1,00,00,000 तक गाय कह दी, 1,00,00,000 गाय दूंगा महाराज, इस गाय को छोड़ दो। कहने लगे, 1,00,00,000 गाय ले जाके महाराज हम करेंगे क्या, गोबर कौन फेंक पा है ना। एक बात आती जलपुर पे, एक जलपुर के आगे एक आमा नाला है, वहां पर कथा चल रही थी। तो वहां पूछा उन्होंने हमसे कि महाराज ये बताइए, 9,00,000 गऊएं थी नंद बाबा की, 9,00,000 गऊएं थी ना, वो 9,00,000 गऊएं थी महाराज जो थी, उनकी व्यवस्था कैसी होती रही होगी, गोबर कौन फेंकत रहो हुए, 15 करोड़ गऊ 15 करोड़ जो है मुर्गी पाला है, उससे पूछ लेना व्यवस्था कैसी करता है। फिर तो वो 9,00,000 गऊएं थी, वो 9,00,000 गऊएं थी, सामान्य सी बात, व्यवस्था हो जाती थी। आजकल व्यक्ति मुर्गी और कुत्ता पालने लगे, सा पहले गऊएं ही रखते थे। तो कहने लगे, 1,00,00,000 गऊएं दूंगा, इसे छोड़ दो। नहीं छोड़ा ब्राह्मण ने, जो पहले जैसे दान में मिली थी वह ब्राह्मण ने उन गायों को त्याग दिया, उस गाय को त्याग दिया और चला गया। राजा नरक का राज्य धीरे धीरे समाप्ति की ओर गया। मृत्यु के बाद में स्वर्ग रोहण हुआ। स्वर्ग रोहण होने के बाद पर जब धर्मराज के सामने इनका प्रकट हुआ, धर्मराज के सामने गए तो धर्मराज ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज आपने बहुत पुण्य किया है, यदि आप पहले पुण्य भोगना चाहें तो करोड़ों वर्षों तक आप स्वर्ग का में जो है स्थायी रूप से रह सकते हैं, पर आपके कारण एक दोष भी हुआ है, आपको एक अभिशाप भी है, एक श्राप भी है। आपने एक दूसरे ब्राह्मण को दी हुई गाय को दूसरे ब्राह्मण को दी, सामंतक दोष लगा हुआ है आपने, इसे आपको भोगना पड़ेगा। तो कहने लगे, इसे भोगने के लिए क्या करना पड़ेगा। कहने लगे, साहब आपको छिपकली बनना पड़ेगी।
बोले ठीक है, पहले हम जो है दोष भोगेंगे, बाद में स्वर्ग का राज्य भूलेंगे। राजा नरक को उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को देने के लिए कारण जो है छिपकुली बनना पड़ा, और वही छिपकुली बनकर उस सूखे हुए कुआं में डले थे जिनका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने कहा किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार का अहंकार जो है व्यक्ति को नष्ट कर देता है, चाहे वो किसी भी रूप में किसी को प्राप्त हो। हम बात विश्वामित्र की कर रहे थे, लौटकर पुनः वहीं आते हैं। इस कन्या का विवाह विश्वामित्र की जो था दुष्यंत के साथ में हुआ। विश्वामित्र महाराज जो है तपस्या में लीन रहे, तपस्या के बाद पुनः वह लौटकर राज्यों पर आए। उस समय अयोध्या में राज चल रहा था त्रिशंकु का, महाराज त्रिशंकु राज कर रहे थे उस समय। त्रिशंकु महाराज जब है राज कर रहे थे, उनके जो कुल पुरोहित थे वह वशिष्ठ जी थे। एक दिन विचार किया त्रिशंकु ने, महाराज वशिष्ठ जी से कहा, ऐसा कोई यज्ञ तप दान या व्रत बतलाइए जिसके कारण मैं सशरीर स्वर्ग जा सकूं, मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करने पर आप दुखी भाग, दुख ही आपको प्राप्त होगा महाराज, सुख आपको प्राप्त नहीं हो सकता। अब एक पर जिज्ञासा तो जिज्ञासा होती, मन की महत्वाकांक्षाएं जिन पर कोई लगाम नहीं होता। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हम तो स्वर्ग सशरीर ही जाना चाहते हैं, आप पहुंचाएं चाहे ना पहुंचाएं। क्योंकि वह वशिष्ठ जी ने मना किया था, वशिष्ठ जी के मना करने के कारण आप हमारे से यज्ञ करवाएं, हम यज्ञ के तपोबल के कारण आपको सशरीर स्वर्ग पहुंचा देंगे। यज्ञ प्रारंभ हुआ, उस यज्ञ के प्रधान यज्ञाचार्य जो हैं वह हमारे विश्वामित्र जी बने। तप बलों के कारण धीरे से मंत्रों की शक्तियों को अर्जन करके उन्होंने त्रिशंकु को जो है स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचा दिया। त्रिशंकु खड़ा हुआ और सीधे स्वर्ग के दरवाजे तक गया। इंद्र ने देखा, अरे यह कौन मनुष्य है जो सशरीर हमारे स्वर्ग तक आया। दरवाजे पर आए इंद्र, इंद्र ने कहा, यहाँ का नियम है कि यहाँ सशरीर स्वर्ग कोई नहीं आ सकता, आप वापस जाइए। तो महाराज ऐसा गया था, धक्का लगा तो उल्टा हो गया, सिर नीचे पैर ऊपर हो गए, वापस आने लगा। वहां से आवाज लगाई विश्वामित्र को, महाराज ये मुझे वापस पहुंचा रहे हैं। यहां से विश्वामित्र ने देखा, अपना तपोबल दिया, तपोबल के कारण फिर ऊपर चले गए। अब महाराज नीचे ऊपर होने पर उनकी जो लार है ध्यान रखिएगा, समाज के उद्धार के लिए यदि आप कोई काम करते हैं और उसमें कोई त्रुटि होती है, उसमें कोई यदि आपसे कोई पुनरुक्ति होती है तो वह अच्छे कहलाती है। जमुना जी भी शूरवंशी राजा के शरीर से निकली है, अर्थात सूर भगवान से निकली। और जमुना जी जो है, मैं यदि आप स्नान करते हैं तो आपको भवबंधनों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और शूरवंशी राजा त्रिशंकु के शरीर से ही उत्पन्न हुई कर्मनाशा नदीम। मैं ऐसा कहा जाता है कि पैर रख लो तो जितने पुण्य कर्म आपने किए होंगे वह नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। महाराज जी के चरणों प्रणाम। त्रिशंकु फिर वापस आ रहा है, विश्वामित्र ने यहां से फिर अपना दिव्य तेज और तपोबल दिया, ऊपर पहुंचाया। इंद्र को आदेश दिया, देखो इंद्र ये जहां पर है इसे वहीं पर स्थिर रहने दो, सशरीर स्वर्ग पर रहने दो, अन्यत्र मैं अपने तपोबल के कारण दूसरा स्वर्ग बना दूंगा। महाराज इंद्र ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, ये देवताओं के नियमों के विरुद्ध हो जाएगा, महाराज इसे एक काम करिए, स्वर्ग के दरवाजे पर ही स्थिर रहने दीजिए, जिस अवस्था में उस अवस्था में रहने दीजिए। महाराज त्रिशंकु को आज भी उल्टा लटका है, नक्षत्र मंडल उसके आजू बाजू घूमते हैं, वो वहीं लटका है। कहने का तात्पर्य यह है, जो वेद के विहित नियम हैं, जो वेदों की साराएं हैं, जो ऋचाएं हैं, उसके अनुसार चलना चाहिए। यदि आप अलग से चलना चाहेंगे तो आप जो या तो स्थिर नहीं रह पाएंगे, और स्थिर होंगे तो जैसे रहना चाहते हैं वैसे नहीं रह पाएंगे। विश्वामित्र की श्रेष्ठ कथाएं कल हम कहेंगे, हमारे महाराज श्री का आगमन हो चुका है, और कुछ ही क्षणों बाद हमारे व्यासपीठ पर विराजमान होंगे, उनके मुखारविंद से हम सुंदर अमृतमयी कथाओं का सेवन करेंगे। जब तक 2 मिनट का श्री हरि कीर्तन और एक भजन। श्री राधे राधे श्याम मत पूरे।
हमारे बीच पर हमारा श्री रामानंद जी सरस्वती आगमन हो चुका है। उनके आगमन की खुशी में हम जनता जनार्दन से चाहते हैं कि एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। श्री ब्रह्मदंडी महाराज जी रामानंद सरस्वती जी का आगमन हमारे बीच पर हो चुका है। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हमें उन्हें आने की खुशी हुई, इसलिए जोरदार तालियां हो जाएं।